वह अभिनेत्री जिसे बॉलीवुड में दबंग गर्ल के नाम से जाना जाता है, फिल्मों में करियर बनाने के लिए अपना वजन 30 किलो कम किया था। बिहार की इस बेटी को पहली ही फिल्म में मिला था अवार्ड। आजादी से घूमने के लिए घर से दूर करवाया था अपना एडमिशन। बिहारी में जोड़ के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिसे आज लोग दबंग गर्ल के नाम से बुलाते हैं। कहते हैं बॉलीवुड में एक समय ऐसा भी था जब लड़के ही लड़कियों का रोल निभाया करते थे, लेकिन समय के साथ स्थितियां बदली और महानगरों तक सीमित रहने वाली बॉलीवुड अब छोटे प्रदेशों तक भी अपनी प्रतिभा को लेकर पहुंचने लगी है। इसी कड़ी में हमने देखा है कि बिहार और झारखंड से कितने ही अभिनेता और अभिनेत्रियाँ बॉलीवुड में पहुँच गई है और वह अपना जलवा दिखा रही है। आज हम जिस अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं वह काफ़ी अपने वजन को लेकर सुर्खियों में रही, लेकिन जब वह लौट कर आई तो दर्शकों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही अभिनेत्री है जिसे लोग ट्रोल किया करते थे। आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा हम बात कर रहे हैं शॉटगन की बेटी सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। बॉलीवुड में दबंग गर्ल के नाम से मशहूर सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। सोनाक्षी आज अपनी एक्टिंग के बदौलत देश दुनिया में जानी जाती है। सोनाक्षी को लेकर अक्सर लोग यही कहते हैं कि वह बचपन में ही काफ़ी मोटी थी, लेकिन आज जब उनकी तस्वीरों को देखेंगे तो आप कभी नहीं कहेंगे कि वह मोटी थी। बचपन में वह गोलू मोलू प्यारी सी दिखती थी। सोनाक्षी की स्कूलिंग आर्य विद्यालय मंदिर में हुआ। वह आगे की पढ़ाई श्रीमती नातीबाई दामोदर दास ठाकरे यूनिवर्सिटी मुंबई से की। उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। जब वह कॉलेज में थी तब उस समय उनका वजन 90 किलो था, लेकिन अब जब उनको आप देखेंगे तो कहेंगे कि यह तो एक नई सोनाक्षी है। बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले उन्होंने अपना 30 किलो का वजन कम किया था। सोनाक्षी जब ग्रेजुएशन में थी तो उन्होंने घर से काफ़ी दूर एडमिशन करवाया था ताकि वह लोकल ट्रेन में सफ़र कर सके और अपनी आज़ादी का एहसास कर सके। उनके बचपन के दिनों की भी एक कहानी है कि जब शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार केंद्रीय मंत्री बने थे तो सोनाक्षी के साथ हमेशा हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, जो उन्हें काफ़ी अजीब लगता था। इसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ने तक की बात कह दी थी। अगर हम बात कर लें उनके करियर की करेंगे तो फिल्मों में आने से पहले वह कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम करती थी। साल 2005 में सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर काम करना शुरू किया था। साल 2010 में उन्होंने सलमान खान की फिल्म दबंग में उन्होंने डेब्यू किया। उनकी पहली फिल्म में उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। दबंग में सोनाक्षी की एंट्री से पहले सलमान खान ने सोनाक्षी से कहा था कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में ले लूँगा, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें अपना वजन कम करना होगा। इसके साथ साथ सोनाक्षी ने अपने खाने पर कंट्रोल किया, लेकिन यह उनके लिए इतना आसान नहीं था। सोनाक्षी बॉलीवुड की हर विधा में माहिर है। उन्होंने बड़े पर्दे पर एक्शन से लेकर कॉमेडी फिल्मों में भी खूब बेहतरीन किरदार निभाया है। इनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रहे हैं, वर्तमान में वे राजनेता भी हैं। उनके संवाद को लोग आज भी बोलते हैं। एक तरह से कहें कि सोनाक्षी की एक्टिंग विरासत में उन्हें मिली है। जब वह बॉलीवुड में आई तो यहीं की होकर रह गई। उनके अब तक के करियर में एक से एक फिल्मों में अपने अभिनय का उन्होंने लोहा मनवाया है। दबंग के बाद अक्षय कुमार के साथ उन्होंने रॉडी राठौर बनाया। यह फिल्म पहले दिन तो मिला जुला रहा, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दबंग की सफलता के बाद सोनाक्षी सिन्हा एक बार फिर से दबंग 2 में नजर आई और इस फिल्म में भी खूब कमाई की। साल 2013 में रणवीर सिंह के साथ सोनाक्षी सिन्हा फिल्म लुटेरा में दिखी, जिसमें उनके पाखी के नाम की एक लड़की के रोल में नजर आई, जिसे बाद में टीबी नामक बीमारी हो जाती है। हालांकि यह मूवी ज़्यादा कमाई नहीं कर सकी, लेकिन सोनाक्षी की इस फिल्म में खूब सराहना की गई। इन फिल्मों के साथ साथ कई फिल्मों में उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा ने खूब सराहा गया। बुलेट राजा, हॉलीडे, तेवर, अकीरा और कलंक, सन ऑफ सरदार, लुटेरे, वंस अपॉन ए टाइम, बॉस, तेवर, मिशन मंगल जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में शामिल रही सोनाक्षी की लव अफेयर। अभिनेता अभिनेत्रियों के लव अफेयर के किस्से आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनती रही। ऐसे में सोनाक्षी का नाम कैसे छूट जाता। सोनाक्षी अपने बचपन के प्यार को लेकर हमेशा खुलकर बात करती है। वह बताती है कि सोनाक्षी 13 साल की थी तब ऋतिक की पहली फिल्म कहो ना प्यार है आई थी। तब सोनाक्षी ऋतिक पर पूरी तरह से फिदा हो गए थे। जब रिलेशनशिप की बात हो ही रही है तो सोनाक्षी सिन्हा अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी दिनों तक मीडिया की सुर्खियों में रही। उनका नाम जहीर इकबार के साथ जोड़ा जा रहा है।
इस दौरान उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किया था जिसमें वो एक मिस्ट्री मैन के साथ नजर आई थी। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी सी डायमंड रिंग भी पहन रखी थी जिस पर फैंस और दर्शकों ने यह अंदाजा लगाया कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबार की सगाई कर ली है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जहीर इकबार और सोनाक्षी सिन्हा दोनों काफ़ी पास हैं। हालांकि सोनाक्षी सिन्हा ने वीडियो बनाने तक में यह नहीं बताया है कि जिसके साथ वह तस्वीर उन्होंने साझा किया है वह कौन है और इस रिंग का क्या मतलब है, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये शादी के बंधन में बंध सकते हैं। और चलते चलते आपसे एक सवाल कि सोनाक्षी सिन्हा की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।